and sit down. इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बीएड का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो उसका आप रिजल्ट कैसे डाउनलोड करके कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कीजिएगा और आपको टाइपिंग कर देना है sarkarirezult.com। जैसे यहाँ पर देखिए आ गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए sarkarirezult.com का ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आपको ढेर सारे यहाँ पर जो है रिजल्ट, एडमिट कार्ड, अटेस्ट, जो भी वैकेंसी आएंगे वो सारा का सारा आपको यहाँ पर शो करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दिए हैं तो उसका जो है आप किस तरीके से रिजल्ट कैसे आप अपना देख सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडमिशन का, इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ मोर व्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिहार 2 ईयर्स बीएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022। आपको इस वाले पे लिंक पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे जो है आप प्लस टर्म एंड कंडीशन जो फॉर्म आप भरे भेजिएगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कुछ जो है डाउनलोड रिजल्ट नोटिस है, तो नोटिस भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड रिजल्ट, आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन वाले पर क्लिक करना है। साइन वाले पर क्लिक करते हैं, आप जो भी ईमेल आईडी दिए होंगे वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। सबमिट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पर देखिए रिजल्ट कार्ड, आपको रिजल्ट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही रिजल्ट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर पूरा जो है आपको पूरा यहाँ पर जो है रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पर रोल नंबर, नाम, यहाँ फादर नाम, मदर नेम, यहाँ पर आपको कैटेगरी और यहाँ पर देखिए कि आपका कौन सा कोर्स है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। और यहाँ पर देखिए कि आपका जो है कितना मार्क आया है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। और यहाँ पर देखिए कि आपका रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वालिफाइड यहाँ पर शो कर रहा है। सूरज, आप इस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दिए हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, आप क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट फ्रॉम 25/7/2022 लेके 4/8/2022 तक, मतलब आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो है डेट जो है दे रखा है इस डेट के बीच में, और आपको जो है च्वाइस के हिसाब से जो है आपको कॉलेज दिया जाएगा। अगर आपका जो है मार्क्स है और जिस मार्क्स पे अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे आपको जिस हिसाब से मार्क्स रहेगा उसी हिसाब से जो है आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से आपको यहाँ इस बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस बीच में जो है आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो बस आपने जाना कि किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप 2 साल का जो है बीएड का पढ़ाई करें और आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं उसका रिजल्ट कैसे चेक करें, तो मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।